हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस ब्यूटीफुल से एक एक्ट्रेस के बारे में जो कि जिम्नो कैल्शियम है। तो फ्रेंड्स, हमारे जो भी कैक्टस लवर हैं उन लोगों के बीच में ये हमारा जो वेरिएटेड कलर है बहुत ही पॉपुलर है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे कलेक्शन में भी कुछ इस टाइप से दिखने वाले कैक्टस होने चाहिए जो कि डिफरेंट कलर्स के हों। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने इस वेरिएटेड कैक्टस के बारे में मैं क्या केयर करता हूँ, किस टाइप से मैं नहीं रखता हूँ, किस टाइप से वाटरिंग करता हूँ, मैं आपको फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। शायद फ्रेंड्स, जो मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो आपको गूगल पे ना मिले, क्योंकि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके केयर बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगा आगे के लिए आपको कैक्टस ग्रो करने में। फ्रेंड्स, जिम्नो कैल्शियम को लेकर जो मेरा पहला अनुभव रहा वो ये है कि फ्रेंड्स, इन कैक्टस में दूसरे कैक्टस के अपेक्षा वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बहुत बार ये फील किया कि मेरे कैक्टस थोड़े मुरझाए हुए अनहैप्पी टाइप से फील हो रहे थे। तो मैंने फ्रेंड्स इनमें वाटर की रिक्वायरमेंट वाटर की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दी। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने पे मैंने कुछ टाइम में ये फील किया कि मेरे कैक्टस पहले से ज़्यादा हेल्दी फील हो रहे हैं, जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे कैक्टस कितने अच्छे ग्रो कर गए हैं। तो और फ्रेंड्स, इनमें जो कलर है वो भी इन्हेंस होता है वाटर के प्रॉपर देने से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी जिम्नो कैल्शियम का कोई भी प्लांट है तो फ्रेंड्स आप उनमें दूसरे कैक्टस की अपेक्षा थोड़ी अधिक वाटरिंग करें, जिससे कि आपके भी कैक्टस पहले से काफ़ी अच्छे ग्रो करेंगे और फ्रेंड्स आपको भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लांट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि आप अपने कैक्टस में वाटरिंग तभी करें जब आपको ऊपर की सॉइल ड्राई फील हो। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि हमारे ऊपर की सॉइल ड्राई फील हो रही है, उसके बाद भी हम इसे कुछ दिन के लिए, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जिम्नो कैल्शियम के साथ ऐसा नहीं करना है। फ्रेंड्स, आप बहुत चाहें तो इनमें दो दिन का गैप दे सकते हैं और दो दिन के गैप के बाद फ्रेंड्स इसमें आपको हल्का वाटर स्प्रे करना है। आपको इसमें बहुत वाटर नहीं देना है, आपको इस पे हल्का वाटर स्प्रे करना है, जिससे कि इसमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करने के बाद आप अपने कैक्टस में काफ़ी अच्छे चेंजेस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अपने वेरिएटेड कैक्टस में लाइट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स आपको अपने कैक्टस को रखना है ब्राइट लाइट वाले प्लेस में, जहाँ पे इसे काफ़ी ब्राइट लाइट मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने कितनी बार ये अनुभव किया है कि मैंने बहुत सारे वेरिएटेड कैक्टस को परचेस किया जिनमें कि थोड़े कम वेरिएशन थे या कम वेरिएशन थे जिनमें, लेकिन फ्रेंड्स उनमें भी अगर ब्राइट लाइट मिलने की वजह से उनकी वेरिएशन काफ़ी अच्छी ग्रो हुई और वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएटेड हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको भी इस प्लांट को रखना है ब्राइट लाइट वाले प्लेस में, और मैं इसे अभी तक फुल सनलाइट में रखा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी तक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इसका इम्पैक्ट पता नहीं है कि फुल लाइट में रखने से क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो आपको सबसे पहले आपको अपने मीडिया में बोन मिल का यूज़ ज़रूर से करना, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक कैल्शियम का प्रॉपर सोर्स है, जिससे कि हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी हेल्प मिलती है। और फ्रेंड्स, दूसरा आप चाहें तो अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, आप जल्दी बड़ा करने के लिए फ्रेंड्स एनपीके का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप एनपीके में 19-19-19 का यूज़ कर सकते हैं मंथ्स में एक बार, या आप चाहें तो 15 डेज के इंटरवल पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने कैक्टस में फर्टिलाइज़र देते हैं या देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे बेस्ट मंथ है फेब से लेके अक्टूबर तक के लिए। तो फ्रेंड्स, आप समर टाइम में इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप विंटर में आप इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें विंटर में फर्टिलाइज़र दें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा कैक्टस हम सभी जानते हैं कि ये विंटर में डोरमेंट में चला जाता है और ये फूड को पिक नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इससे आपका फर्टिलाइज़र भी वेस्ट होगा और फ्रेंड्स आपके प्लांट पर इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने एक पॉट में ढेर सारे कैक्टस को लगा के रखा है, तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कैक्टस को लेके काफ़ी एक्सपीरियंस है, अगर आप काफ़ी टाइम से कैक्टस ग्रो कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप ऐसे एक साथ ढेर सारे कैक्टस को लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स से, अगर आप नए नए कैक्टस को ग्रो कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप ऐसे कैक्टस को, ढेर सारे कैक्टस को एक साथ ना लगाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे में क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स की रॉट होने की चांस काफ़ी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और ऐसे में क्या होता है कि हम अपने
बहुत सारे प्लांट्स को एक बार में ही खो देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ढेर सारा कैक्टस को लगाना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उन्हें डिफरेंट अलग अलग पॉट में लगाएं, जिससे कि अगर आप किसी में ज़्यादा वाटरिंग भी करते हैं तो फ्रेंड्स सिर्फ वही आपका प्लांट्स डेड होगा, बाकी सारे प्लांट्स सेफ रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कैक्टस के रूट्स में रॉट ना हो या फंगस ना लगे, तो फ्रेंड्स आपको इसमें 15 डेज के इंटरवल पे एक बार फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर करना है। आप फंगिसाइड को वाटर में मिला के अपने पॉट में ज़रूर दें, क्योंकि हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा रॉट के प्रॉब्लम से डेड होने का चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फंजीसाइड का यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अपने प्लांट को फंगस के ख़तरे से बचा सकते हैं, और जिससे कि आपका प्लांट्स काफ़ी हेल्दी रहेगा। फ्रेंड्स, अगर अपने प्लांट की विंटर केयर की बात करें, तो फ्रेंड्स अगर विंटर में आप प्लांट को वाटरिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको 15 डेज या वन मंथ में एक बार ही वाटरिंग करना है, क्योंकि फ्रेंड्स विंटर में हमें अपने प्लांट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि डोरमेंट सीजन रहते हैं। तो फ्रेंड्स इनकी रूट्स काफ़ी वीक हो जाती हैं, जिनकी वजह से ये रॉट होने का काफ़ी चांस इनमें रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आप विंटर में वाटरिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको फंजीसाइड मिलाकर ही पानी में दें, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे प्लांट को फंगस से होने वाले प्रॉब्लम से सेव करेगा। फ्रेंड्स, अगर कैक्टस के पॉट के सजेशन की बात करें, तो फ्रेंड्स जो हमारे कैक्टस के लिए जो बेस्ट पॉट होता है वो तो फ्रेंड्स टेराकोटा का पॉट होता है, जो मिट्टी का पॉट होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप इसे प्लास्टिक पॉट में भी ला सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो पॉट है काफ़ी बड़ा ना हो या काफ़ी डीप काफ़ी गहरा ना हो, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करे, जिससे कि हमारे प्लांट में रॉट की प्रॉब्लम आए। तो फ्रेंड्स आपको जब भी कोई पॉट का सिलेक्शन करना है तो फ्रेंड्स आपको 2 से 2.5 या 3 इंच तक का ही पॉट सेलेक्ट करना है, छोटे साइज़ के कैक्टस के ग्रो करने के लिए, जिससे कि फ्रेंड्स आप इससे अपने प्लांट को रॉट के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं और अपने प्लांट को काफ़ी अच्छे तरीके से बड़ा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सॉइल मीडिया को लेके कि हमारे कैक्टस को किस टाइप की सॉइल चाहिए, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने कैक्टस के लिए एक अच्छे से अच्छा मीडिया तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम कैक्टस के डिजीज़ की बात करें कि हमारे कैक्टस पे कौन कौन से पेस्ट्स ज़्यादा अटैक करते हैं, तो फ्रेंड्स जो सबसे ज़्यादा अटैक करता है वो है फंगस, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको अपने सॉयल में या अपने मीडिया में आपको हर 15 डेज के इंटरवल पे आपको फंगिसाइड यूज़ करना है। और फ्रेंड्स जो दूसरा सबसे ज़्यादा पेस्ट्स या डिजीज़ देखने को मिलता है वो फ्रेंड्स स्केल है, जैसे कि फ्रेंड्स ये सामने मेरा कैक्टस है, इस पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी आपके प्लांट्स में आपके कैक्टस में कुछ इस टाइप से स्केल देखने को मिल रहा है, तो फ्रेंड्स आपको उसमें घबराने की बात नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, जिसमें आपको रबिंग अल्कोहल या सैनिटाइज़र लेना है और एक ब्रश की हेल्प से इस पर हल्का रब करना है, जिससे कि इसके स्केल्स बहुत ही ईजिली निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।